आजम खान, उमेंद्र चौहान, वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार, आली हसन आज हाजिर अदालत आई थी। आपकी जो तीन मुकदमे लगे थे, दो कोतवाली की, एक गंज का, जिनमें आपने मकान ढा दिए बोलू जलवा करके, उसमें चोरी की, उसमें लूटपाट की, उन मामलों में आज डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपकी लगी थी, बहस होनी थी। आज आपके वकील साहब ने बहस की, मैंने उसमें एप्लीकेशन दाखिल किया था, मेरी तरफ से पूरी बहस हुई है। अब माननीय न्यायालय को तय करना है कि उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे क्या आदेश होता है। आज इसके लिए 5 तारीख नियत कर दी गई। तो डूंगरपुर वाला मामला था, एक डूंगरपुर का मामला था, दो कोतवाली के मामले थे, यतीम खाने वाले। तो इसमें अभी इसमें आज क्या हुआ, बहस हो गई पूरी, यतीम खाने वाले में बहस हो गई है डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर। अच्छा, तो अभी उसमें फैसला नहीं आया है। फैसला 5 तारीख को आएगा। अच्छा। कि आजम खान पर चार्ज लगना है या नहीं लगना है। अभी आरोप कोई तय नहीं हुआ है। आरोप भी तय नहीं, आरोप की तारीख 5 तारीख लगा दी है, 5 तारीख में आरोप तय होंगे। आरोप तय होंगे। तो डूंगरपुर वाले में क्या हुआ, डूंगरपुर वाले में आज बहस हो गई है और उसमें आरोप तय करने के लिए 5 तारीख लगा दी। दोनों मामलों में 5 तारीख, तीन मामले थे डूंगरपुर वाले के हैं जी, और एक डूंगरपुर का है। तीनों मामलों में बहस हो गई है और आदेश के लिए 5 तारीख नियत कर दी गई है। 5 तारीख को इसके आदेश आ जाए। अच्छा, डूंगरपुर हो गया, यतीम खाना हो गया, वकील साहब तीसरा कौन सा है? तीसरा दो मामले यतीम खाने के थे, दो मामले हैं यतीम खाने के, और एक मामला गंज का था, डूंगरपुर का। तो अब जो है 5 तारीख में है सारा मामला, 5 तारीख में आदेश आएगा माननीय न्यायालय का।